मेरा नाम सैयद अदील जावेद है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हम आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं धोराजी में, और धोराजी में मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं मेमन चाट बाइट। मेमन चाट बाइट की क्या खासियत है और यहाँ पर सबसे खसूसी डिश क्या है, वो है मेमन थाली। तो मेमन थाली है क्या और मेमन थाली में क्या क्या आइटम होते हैं, वो हम आपको वीडियो में आगे चल के दिखाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उमेर भाई। उमेर भाई से हम थोड़ी सी बात करते हैं। उमेर भाई से हम जो है वो पूछते हैं कि ये मेमन थाली का क्या कॉन्सेप्ट है और मेमन थाली के अंदर क्या क्या होता है। उमेर भाई सलाम अलैकुम। उमेर भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? अच्छा उमेर भाई, ये बताइएगा ये मेमन थाली कैसे निकाली आपने? यार ये थाली जो है, थाली का ट्रेंड चला है इंडिया के अंदर, थाली का बड़ा ट्रेंड चलता था, मैं उसको देख देख के जो है वो चीज़ें सीखता हूँ। तो और ये थाली जो मैंने पाकिस्तान में तारीफ कराई और मुझे देख के जो है लोगों ने बड़ी थालियाँ निकाली हैं। अच्छा? हाँ, बहुत से लोगों ने निकाल दी। अगर ओरिजिनल ओरिजिनल होता है जो बात है। अच्छा थाली में होता क्या क्या, थोड़ा सा बताएं। थाली मेरे पास तीन चार किस्म की है, समोसे के साथ भी है, चाट के साथ भी है, सही है, और स्मॉल थाली होती है और गोलगप्पे की थाली है। सही है। अगर मैं आपको चाट वाली थाली मुतारिफ करवा रहा हूँ और आप खाएं और बताएं लोगों को कि कैसी लगी। अरे यार उमेर भाई ने जो है वो चाट वाली थाली जो है वो ऑफर की है। चले भाई, चाट वाली थाली उमेर भाई की हम ट्राई करते हैं और आपको दिखाते भी चाट वाली थाली बनती कैसे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आ जाओ आशी भाई, थाली की तरफ चलते हैं। धोराजी की मशहूर मेमन बाइट चाट, जिन्होंने मुतारिफ कराई थाली। थाली वैसे तो उन्होंने कई किस्म की मुतारिफ कराई है, लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं चाट थाली दिखाने के लिए। तो आइए चाट थाली देखते हैं कैसे तैयार होती है। यहाँ ये गोलगप्पे हैं जी भाई, ये किस तरीके से थाली तैयार होती है, थाली के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये गोलगप्पे हैं, ये सही, उसमें मीठे दही बड़े आएंगे, चाट आएगी। दिखाइएगा क्या क्या डालते जाइएगा, इसमें क्या क्या। ये चाट का दही बड़ा है, दही बड़ा देख रहे हो तो अच्छा ही लग रहा है, टेस्टी बनेगी ये थाली। और बताते हैं हम आपको इस बारे में, ये देखें अभी जो है वो छोले डाले जा रहे हैं इसके अंदर। अभी आ गई आलू, ये आलू है, आलू आ गए थाली के अंदर, और आलू के और ये आ गए कड़ी चने आ गए। मेरे मुंह में जो है वो पानी आ रहा है भाई, ये सारी चीज़ें डाल के। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जो है वो मेमन थाली पे ज़रूर एक बार जरूर चेक करें। ये मीठे दही बड़े, या आ गए भाई मीठे दही बड़े, ये आ गए, ये डल रहे हैं मीठे दही बड़े, और ये डल गया मसाला। ये अब मसाले आपके कोई स्पेशल है? जी हाँ, ये स्पेशल है, ये दही बड़ा मसाला है। अच्छा, ये चाट मसाला है। सही, कटहल में ये डली, इसके अंदर मिर्चें, ज़बरदस्त। अब आप इसका खाने का कुछ और ही मज़ा, खटाई है, खटाई लज्जत। और ये देखेंगे कटाई डाली भाई ने अभी, और अभी ये डाला दही। ये छोले की पूरी तरकारी तैयारी हो गई है, और ये रायता है, ये रायता डाला इसके अंदर, आ गई प्याज, और आखिर में ये डाला है इन्होंने पापड़ी। ऐसे भाई मेरे मुंह में पानी आ रहा है भाई, ये आलू का मसाला है, ये बर्दाश्त ना होने वाली है, मसाला है। ये सिर्फ खाने का आइटम है भाई, तो जरूर मेमन थाली पे जो है वो आप आए। ये मसाला किस किस्म का है? ये खट्टे आलू का मसाला है, खट्टे आलू की कड़ी आ गई, कड़ी से ये आ गई कड़ी इसके अंदर, जबरदस्त। ये गोलगप्पे, ये गोलगप्पों के अंदर छोले आ गए, ये आपको दिखाएं, ये देखें ये गोलगप्पों के अंदर छोले जा रहे हैं, फिर ये मुंह में जाएंगे बाद में, फिर हम इसको खाएंगे। आप ये देखें वान, ये ज़बरदस्त, ये देख रहे हैं आप जी, ये जो है ये मेमन थाली भाई, हमने तो पहली बार ही देखी है।
ये जो है वो थाली तैयार हो रही है और ये फर्स्ट टाइम ही हमने जो है वो फर्स्ट टाइम ही जो है ये इस किस्म की थाली देखी है, लेकिन ये लग बड़ी टेस्टी रही है थाली जो है, खाने में सही मज़ा आएगा इसका। ये भाई लग रहा है गोलगप्पे में, ये हमारी थाली जो है वो पूरी तैयार हो चुकी है, ये थाली आपकी पूरी तैयार हो गई। अच्छा ये थाली इससे पहले जो है ना, इससे पहले कहीं और ये थाली हमने कहीं देखी नहीं है, ये यूनिक आइटम है ये। जी हाँ यूनिक आइटम है, और जो है ना इसमें थाली में चाट तो सब भी खाते हैं, लेकिन इसमें जो है ना कढ़ी चने, मीठे दही बड़े, खट्टे आलू, ये सब जो है ना एक थाल बनाती है स्पेशली, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होती है तो इसलिए सब चीज़ें खाने का टेस्ट इसका टेस्ट ही अलग होगा। अच्छा ये आपकी और भी इसके अलावा कोई ब्रांच है आपकी वर्दी और ब्रांच का है? अगर ये ओनली वन ब्रांच। अच्छा तो लोकेशन थोड़ा बता देंगे किस तरफ? जमाल रोड में हॉस्पिटल दौराजी में जमाल। ये बताएं कि आप यहाँ मेमन बाइट पे पहली दफ़ा आए आते रहते हैं? यार बेसिकली ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ से गुजर रहा था, जा रहा था मैं हैदराबाद। अच्छा। मगर मैंने बोला यहाँ ट्राई कर लेते हैं, मैंने खाया, बेहतरीन टेस्ट है इसका। क्या ऑर्डर किया आपने? मैंने चाट, मिक्स चाट और गोलगप्पे। अच्छा इनकी जो है वो थाली भी जो है ना बहुत मशहूर है, मेमन की थाली बहुत मशहूर है, आपको पता है मेमन खाने में जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें मैं मेमन के नाम से इधर आया, मैंने बोला चले आज इनका टेस्ट जो है ना वो ट्राई कर लेते हैं, ट्राई किया माशाल्लाह सेटिस्फाई हुआ, बहुत अच्छा है, नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगा। मैं यही रिकमेंड करूँगा जिन्होंने नहीं ट्राई किया वो दोबारा आए अपनी फैमिलीज के साथ, माशाल्लाह जगह भी बहुत अच्छी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। शहजाद अली भाई हमारे लिए थाली लेकर आ गए, और थाली का साइज आप चेक कर लो यार। आसिफ भाई थाली खा लोगे इतनी बड़ी? ये बताओ अगर तुम इतनी बड़ी थाली खा लोगे तो फिर तो भाई शाबाश है। मेहमान थाली लजीज वाली खाते हैं और आपको बताते हैं, ये देखें आप। ऊपर यार आशिफ भाई बहुत उमदा यार, ट्राई तो मुझे बहुत कुछ करना है समझे ना, थोड़ा थोड़ा ट्राई कर दें। ओसम और ये गोलगप्पे जाडू है भाई। भाई मैं तो आपको ये कहूँगा कि यहाँ पर आएँ धोराजी पे मेमन चाट बाइट, ये चाट थाली ट्राई करें, बहुत लजीज है। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। अब हम खाते हैं थाली, आसिफ भाई आ जाओ बंद करो, और मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं दीजिएगा इजाज़।